से डेढ़ महीने से ओंकारेश्वर बांध के 30 गांव के लोग यहां बैठे हुए हैं एक सत्याग्रह में, और आज 9वां दिन हो गया जब पानी में बैठे हुए हैं। लगभग 51-52 साथी पूरे समय बैठे हैं, यानी कि आमरण जल सत्याग्रही हैं कि भले पानी अपने सर के ऊपर से चले जाए लेकिन हम नहीं हटेंगे। और बाकी बीच बीच में और साथी लोग आते हैं और ग्रामीण आते हैं जो समर्थन में एक दिन या 8 घंटा खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से जल सत्याग्रह यहाँ चल रहा है ग्राम गोगल गांव में, और इसका जो मांग है वो ये है कि 189 मीटर तक जो के ऊपर जो पानी बढ़ाया जा रहा है मनमानी पूर्वक सरकार द्वारा और NHDC द्वारा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है और हाई कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन है, और जिसका कोई कारण नहीं है क्योंकि अभी फिलहाल कोई बिजली की ज़रूरत भी नहीं है। और दरअसल इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर में सिर्फ 50% कैपेसिटी चल रही है, 714 मेगावाट 1520 मेगावाट में से सिर्फ 714 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है, क्योंकि जबलपुर से मांग कम है, क्योंकि आपको मालूम है कि लगभग 49% बिजली का उत्पाद किसानों को लगता है टोटल बिजली उत्पाद में से, और वो 49% अभी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बरसात बहुत हुआ है। तो इसलिए उनके पास में कोई कारण नहीं है क्यों वो ये पानी भर रहे हैं, इसके अलावा कि वो लोगों का हत्या करना चाहते हैं, लोगों को भगाना चाहते हैं और तरह तरह से पीड़ित करना चाहते हैं। आज 10 दिन हो गए, सरकार सुन रही है पर दे नहीं रही है ना, दे देंगे तो कब देगा, हम डूब जाएंगे मर जाएंगे जब देंगे, नाक तक तो पानी आ गया हमारा। ये सिलसिला तब चला जब मई महीना में अचानक उन्होंने घोषणा कर दी कि अब हम पानी भरेंगे। उन्होंने कोई व्यक्तिगत नोटिस या सार्वजनिक नोटिस नहीं दिया, घोषणा भी अखबारों के माध्यम से हमने पढ़ा। फिर आंदोलन यहाँ आई, दो बड़ी बड़ी मीटिंग हुई नर्मदा जी के दोनों तरफ, और फिर ये फैसला हुआ कि हम लोग किसी तरीके से हस्तक्षेप करेंगे और ज़रूरी हो तो कानूनी हस्तक्षेप भी करेंगे। हमारे हक के लिए बैठे हैं, जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा तो हम पानी में चाटने वाले नहीं है, भले कुछ भी हो जाए, हमारी जान चली जाए और सरकार आके हमारा पे बम पटक दे, जब भी नहीं हम हटने वाले, हम जान देने को तैयार है। और प्लाट पुनर्वास और जमीन और मजदूर को 2.5 लाख रुपए ये मंजूर किया जाए और पानी खाली करिए जाए, तो हम हटने वाले नहीं है यहाँ। 21 फरवरी 2008 में हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि आपको जमीन के बदले जमीन देना ही पड़ेगा, न्यूनतम 2 हेक्टेयर जमीन भी देना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने पाया कि जल्दबाजी में जो प्रावधान थे जमीन देने का या लोगों को पूछने का, जमीन ऑफर करने का, प्रस्ताव देने का, विकल्प देने का, वो किसी की भी पूर्ति नहीं हुई थी। दूसरी बात है कि सरकार ने इस बीच में सन 2002 में पुनर्वास नीति जो सन 1989 में बना था उसका एक संशोधन कर दिया था, जिसमें ये कहा गया था कि यथासंभव जमीन दी जाएगी। इस यथासंभव के आड़ पे सरकार ने एक बच्चा को भी जमीन, एक परिवार को भी जमीन नहीं दिया। जब तक गवर्नमेंट राज्य शासन और NHDC हमारी खेती के बदले खेती, गरीबों को 2.5 लाख का अनुदान एवं पुनर्वास नहीं होगा, जब तक हम यहाँ से पानी से हलेंगे नहीं, या तो फिर पानी 189 पर करेंगे तो यहाँ से हम हटेंगे। तो हाईकोर्ट ने कहा कि यथासंभव तो तब होगी जब आपने कुछ कोशिश की, लेकिन आपके रिकॉर्ड से दिख रहा है कि आपने कोई ज़मीन इकट्ठा करने का या प्रस्तावित करने का प्रयास ही नहीं किया। दूसरा, हाईकोर्ट ने ये कहा कि हम ये नहीं मान सकते कि जमीन देना असंभव है, क्योंकि ये स्पष्ट है कि इसी प्रदेश में SEZ को और उद्योगों को बड़े पैमाने पर ज़मीनें दी जा रही हैं, और अगर किसानों को जमीन मना करना ये जो है संविधान का अनुच्छेद 14 के खिलाफ होगा, क्योंकि वो गैर बराबरी की बात होगी कि एक तरफ आप उद्योगों को जमीन दे रहे हैं और किसानों को जमीन नहीं दे रहे हैं। वो उनका स्वार्थ देख रहे हैं, हमारा स्वार्थ थोड़ी देख रहे हैं, किसान भाइयों का। सरकार की आंखें सब बंद हो गई,
हम यहाँ 10 रोज से मतलब जेल में बैठे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हैं उसकी आंखें क्या फूट गई, हमारी जमीन, हमारा कब्जा, हमारा मकान, हमारा गांव, और उनने गुमराह करके हमें सब मतलब ले लिए, पैसे बैंक में डाल दिए, हमें कोई मालूम कि क्या हो रहा है, और एकदम हमारे ऊपर अत्याचार, पानी बढ़ रहा है, हमारे खेत डूब रहा है, हमारी फसल खराब हो रही है, अत्याचार, सुनवाई नहीं कुछ। सरकार हमने बनाई है शिवराज सिंह को, उसको उतार भी सकते हैं, है? इतना अत्याचार कर रहा है कि हमारी खबर लेने नहीं आ रही, देखने नहीं आ रही, पास में बढ़वाए में आया लेकिन हमारे पास नहीं आया, तो अत्याचार हो रहा है, इस मतलब ये सरकार सब अंधी है, अंधा कानून चल रहा है, सच्चाई का न्याय नहीं हो रहा, सच्चा न्याय नहीं दे रहे हैं, झूठे को न्याय दे रहे हैं, MEDC की साथ दे रहे हैं, किसान के साथ नहीं दे रहे, ये बेईमान सरकार है। उसके बाद सरकार और NHDC जो है हाईकोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते हुए, जबकि एक चुना हुआ सरकार को तो हाईकोर्ट का ऑर्डर आया मानना चाहिए, अपने ही लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई जरूरत ही नहीं थी, उसके बाद भी वो सुप्रीम कोर्ट गई, एक एक टाइम में 5-5 वकील, कैसे वकील, अरुण जेटली, हरीश सालवे ना, रविशंकर प्रसाद, जो देश के राजनीतिक प्रक्रिया में भी और वकालत के इसमें भी सबसे उच्चतम श्रेणी में है, और किसी को भी जिसमें 5 लाख रुपए एक बार खड़ा होने के लिए देना पड़ता है, इस तरह से जनता के ही पैसे से जनता को पराजित करने का पूरा प्रयास किया गया, एक एक समय इनके 5-5 वकील खड़े होकर हाथ हिलाते हुए हमारे वकीलों को दबाने का प्रयास करते थे, हमारे पक्ष से भी कुछ अच्छे वकील खड़े हुए, संजय पारीख जैसे, डॉक्टर राजीव धवन जैसे, और एक काफ़ी बड़ा कानूनी लड़ाई चली, एक तरफ कानूनी लड़ाई चलता गया, दूसरी तरफ ज़मीनी स्तर पर लोग लड़ते गए, और बहुत प्रयास किया गया कि इनका फसल डुबा दिया जाए, इनको ज़मीन डुबा दिया जाए, इनको भगा दिया जाए, अलग अलग तरीके से, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई सरकार। करीबन 29 गांवों की 1000-2000 एकड़ ज़मीन मतलब फसल डूब गई इस पानी ज़्यादा भरने से, और काफ़ी नुकसान हो गया लोगों का। और अंत में 11 मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया जिसमें उन्होंने कहा कि यथासंभव कार्य ये है कि या तो आप लोगों को ज़मीन के बदले ज़मीन और कम से कम 5 एकड़ ज़मीन देंगे जो सिंचित होगी, और वैसी ज़मीन होगी जैसी उनकी थी या उससे बेहतर, उससे बदतर नहीं होना चाहिए, और जो किसी के कब्जा में नहीं होगा फ्री ऑफ एनकम्बरेंसेस, ऐसे ज़मीन आप या तो देंगे, या फिर अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो खुद वो किसान खरीदे, ऐसा आप आर्थिक मदद करेंगे। उन्होंने कहा यथासंभव का यही व्याख्या है। तो हम मर भी जाएं तो हाथ लिए पाकर हम यहाँ से खड़े नहीं होंगे, हमारी ज़मीन लेंगे, हमारी जैसी ज़मीन वैसी ज़मीन लेंगे, जैसा मकान वैसे मकान लेंगे, जैसे हमारी बाड़ियाँ है, कुआ है, पानी नहीं खुट रहा उन कुआओं में से, वैसा कुआ लेंगे जिसके बाद में हम खड़े होंगे, नहीं तो हमारी जान भी चल जाए तो कोई परवाह नहीं। तो अब तो सरकार के ऊपर ये बाइंडिंग हो गया कि वो ज़मीन दे ही, माने लोगों का अधिकार सुरक्षित हो गई, और उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि कड़ा पालन होना चाहिए, और ये भी कहा कि ये ज़मीन आवंटन का काम बांध निर्माण पूरा होने के पहले हो जाना चाहिए था। और सरकार हमारे क्यों नहीं सुनवाई करती, हमारा सिर तक पानी आई गो, जो भी वो नेता लोग आए बढ़वाए पचा चलेगा जनता का, जब तुम सहायता करो तो जनता खबर लेना कभी नहीं आया, और जैसी ज़मीन हमारी छे उसी ज़मीन को हाक ले आऊँगा, पुरनवास ले आऊँगा, अस्पताल ले आऊँगा, और बच्चा न की स्कूल ले आऊँगा, पानी सुविधा नहीं तो यो बांध को पानी पचोगो ठिकान पर लगेगी, अन एक आधा मरांगा तो सरकार जिम्मेदार रहेगा।